लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अब 3 महीने का वक्त बचा है। सभी राजनीतिक दल आम चुनाव के लिए सीटों पर उम्मीदवारों के चयन में जुट गई है। इसी बीच INDIA अलायंस भी गठबंधन के दलों के बीच सीट शेयरिंग पर चर्चा में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस गठबंधन कमेटी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन और सीट शेयरिंग पर रिपोर्ट सौंपेगी। कांग्रेस के अलायंस कमेटी में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद, मुकुल वासनिक और मोहन प्रकाश शामिल हैं। मुकुल वासनिक कमेटी के संयोजक हैं। वहीं यूपी में कांग्रेस 15-20 सीट की डिमांड कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी ने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया है कि वो गठबंधन में सीटें मांगेगी नहीं बल्कि देगी। फिलहाल यूपी में सीटों के बंटवारे का दारोमदार न सिर्फ सपा बल्कि कांग्रेस पर भी है। दरअसल INDIA अलायंस के झंडे तले यूपी में सपा, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोक दल तीनों साथ हैं। RLD भी 10-12 सीटों की मांग कर रही है। RLD का मानना है कि उसे पश्चिमी यूपी की सीटों पर प्रमुखता से मौका दिया जाए। पार्टी जाट बाहुल्य सीटों पर अपना दावा ठोक रही है। वहीं सपा के संदर्भ में सूत्रों का दावा है कि पार्टी ने फैजाबाद, कन्नौज, मैनपुरी, आजमगढ़, बदायूं, फिरोजाबाद और अम्बेडकर नगर में प्रत्याशी उतारने का मन बना लिया है। एटा लोकसभा सीट पर तो अखिलेश ने नवल किशोर साकेत की उम्मीदवारी पर मुहर लगा दी है। दूसरी ओर यूपी में कांग्रेस अमेठी और रायबरेली समेत कई और सीटों पर अपना दावा कर रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की गठबंधन कमेटी में यूपी में गठबंधन के संदर्भ में क्या प्रस्ताव किया गया है। साथ ही कांग्रेस की यूपी इकाई को इस बात का भी इंतजार है कि वो जिन सीटों पर अपना दावा ठोक रही है वो उसे मिलेगी भी या नहीं।